Awesome. जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्कूल जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में पढ़े वहाँ पर कुछ दस्तावेज लेने के लिए यहाँ पर आया था, तो सोचा आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे वो स्कूल से रूबरू कराऊँ। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी इनिशियल पढ़ाई यहाँ पर की। ये स्कूल महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट सातारा में है, प्रताप सिंह हाई स्कूल। आज इसका नाम छत्रपति प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एडमिशन लिया तब उस समय इस स्कूल का नाम सातारा एलिमेंट्री स्कूल था। सातारा एलिमेंट्री स्कूल ये नाम उस समय था। तो आइए हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बचपन में कैसे पढ़ाई की, वो स्कूल कैसी है, आइए देखते हैं। ये और एक ये बोर्ड है, ये एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स स्टूडेंट्स की लिस्ट है, देखते हैं कौन कौन है एक्स स्टूडेंट्स में। देखिए पहला नाम है श्रीमंत छत्रपति अन्ना साहेब भोसले, श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज भोसले, श्रीमंत पंत प्रतिनिधि भवान राव श्रीनिवास राव, निर्वाणवासी बैरिस्टर बी आर उर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए चौथा नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, ये एक्स स्टूडेंट्स माजी विद्यार्थी ये लिस्ट है, इंस्पायरिंग एल्यूमनी। देखिए बाबा साहब की स्कूल नीचे थी, नीचे कहीं पर है। तेवाचीच बिल्डिंग है, देखिए 1812 है ना, ही 1850 ला आपल्याकडे म्हणजे हे झाले, इथे रजिस्टर झाले पण त्याच्या आधीपासून असेल, 1820 पासून आहे, परंतु 1820 ला विशिष्ट असं प्रकाशासाठी पाठशाळा वगैरे होती। अच्छा, ये स्कूल 1821 का है, 1821, आज चल रहा है 2021-22 चल रहा है, आज 2022 नहीं 1821 1921 और 2021 200 साल कंप्लीट हुए हैं इस स्कूल को। ये स्कूल कुणी स्थापन के लिए होती प्रताप सिंह छत्रपति प्रताप सिंह भोसले महाराज, इनकी ये स्कूल उन्होंने उस समय ये बनाई थी, वो राजवाड़ा था उनका, ये राजवाड़ा होता है, राजवाड़ा स्कूल में स्कूल को दिया। अच्छा जी, पहले ये उन राजा का महल था, राजवाड़ा, इसे मराठी में राजवाड़ा कहते हैं, राजा का महल था, ये पूरा महल उन्होंने स्कूल के लिए दिया था, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से, शिवाजी महाराज के सातवें वंशज। अच्छा, प्रताप सिंह महाराज, ये शिवाजी महाराज के सातवें वंशज थे जिन्होंने ये पूरा उनका जो महल है ये स्कूल के लिए दिया था। खाली जाए से इतने जाए से अच्छा 5 एकर मध्ये आहे, 5 एकर। अच्छा, मी ज्याला बोलू त्याला ऑफ करा, म्हणजे तुमचं ते फक्त त्यामध्ये, हो नाही चालत, यहाँ पिक्चर की भी शूटिंग होती है। अच्छा, ओ ये देवाचंच असेल ना सगळं, शिसवला पुढे। अच्छा, आणि बरं आहे ते सागवान आहे, हे आता खूप महाग आहे। अच्छा, याचीच प्रॉपर्टी, ह्या लाकडाची किंमत कोट्यवधी देखो, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, पिलर्स मेरे पीछे ये जो दिख रहे हैं, ये पिलर्स लकड़ी के हैं, इनकी कीमत आज करोड़ों में है, ये 200 साल से ये पिलर्स इसी तरह से खड़े हैं। देखो वुडन, पूरा वुडन पैलेस है ये,
एक एकस रहे अच्छे बहुत आदमी है, स्कूल के लिए अच्छे काम करते हैं। अच्छा 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 ये पूरा नहीं है, हमसे पूरा नहीं है। अच्छा समाज के लिए काम, योगदान देने का काम करते हैं। इथं बाबासाहेबांच्या आंबेडकरांची काळातली पुस्तक आहे, पण त्यात चालू नाही, खूप मोठी पुस्तक आहे, एवढं दालन भरलेलं आहे पुस्तकाचं। पुस्तकाला जी सर्व साहित्य आहे ते आत ठेवलेले त्या काळातले आहेत। नेटवर्क जाने की वजह से आप लोग ये देख नहीं पाए, ये ब्रिटिश के समय से ये लैब है, और यहाँ पर ये जो लैब देख रहे हो, ये जो ग्लोब है पृथ्वी, ये भी शायद ब्रिटिश वहीं से आई है, ब्रिटिश इंग्लैंड से, इंग्लैंड से ही। और ये जितना भी साहित्य है ये सारा इंग्लैंड का है, उस समय का है। देखो वाफेचे इंजिन, साहित्याला कुठेतरी त्यांचा स्पर्श झालेला असणार आहे। ऐतिहासिक माहिती सांगा। हे मी इथं नोकरीला लागायच्या अगोदर पासून हे इन्स्ट्रुमेंट इथं आहेत। आता सध्या मी विज्ञान शिक्षक म्हणून काम पाहतोय, विद्यार्थी। देखो ये सारा जो मटेरियल रखा है, ये सारा मटेरियल ऐतिहासिक है, 100-200 साल पुराना है ये सब, ही ते त्यावेळचे सब। ओ ये सारा मटेरियल 200 साल पुराना है, मेड इन इंग्लंड। काचा आहे, काचा संभाळ ना, खाली बघून या, खाली काच फुटले नाही या सर। हां हां त्यावेळची आता चिंची पात्र एवढी मोठी नाहीत, वही पात्र एवढी मोठी नाहीत, गॅस जार आहेत का नाही ते एवढे मोठे नाहीत आता सध्या। हे त्यावेळचे ब्रिटिश उस समय के बीकर्स, हम लोग जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे तो बीकर छोटे छोटे साइज के होते थे, ये उस समय के 200 साल पुराने बीकर्स है, देखिए कितने बड़े हुआ करते थे उस समय। याला जतन करून ठेवलं पाहिजे, त्याला खास अशी खोली केली पाहिजे। मानवी अस्थिपिंजर ये भी 200 साल पुराना है। इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण ये पूरी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में सातारा में, देखिए इतना बड़ा दस्तावेज अगर किसी और देश में हो तो ये बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा, यानी लोग पैसे दे देकर इसको सिर्फ देखने के लिए आएंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र में, भारत में ऐसी इमारत की जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी रोज ये डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, हम लोगों को, हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाते हैं, हम वर्ल्ड में बाबा साहब का लंदन का घर हमने लिया है, हमने बाबा साहब का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पर स्मारक है, लेकिन जिस स्कूल में बाबा साहब पढ़े हैं उस स्कूल की ऐसी दुरावस्था होते जा रही है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इन्होंने, जब मैं इनसे बात कर रहा था, 39 स्टूडेंट्स, 5 एकड़ में फैला हुआ ये राजवाड़ा है, आज उसमें सिर्फ 39 स्टूडेंट्स बचे हैं, क्योंकि मॉडर्न स्कूलिंग मॉडर्न होती जा रही है, और आप देख रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अब अंबानी के स्कूल आ रहे हैं, टाटा के स्कूल आ रहे हैं, जी के स्कूल आ रहे हैं, ऐसे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक वास्तु है ये डिस्ट्रॉय होते जा रही है। कल शायद इसे भी कोई ना कोई खरीद ले,
अडानी खरीद ले और इस पे फिर वो अपनी इमारत खड़ी करे और ये बाबा साहब का दस्तावेज भी मिट जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये स्कूल को खड़ा करने के लिए इसको मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से स्मारक बनाने के बजाय इस तरह के स्कूलों का जतन किया जाए जहाँ से और हजारों अम्बेडकर तैयार हो, ऐसे स्कूलों का निर्माण हमें करना चाहिए। चलिए सर गेले आताच त्यांच्या मीटिंग होत्या ना। ये वो लिस्ट है मुख्याध्यापकांची लिस्ट जब बाबा साहब यहाँ पढ़ रहे थे तब ये जब बाबा साहब जिस पीरियड में यहाँ पर पढ़ रहे थे राव बहादुर गणपत व्यंकट जोशी ते जरा सर्टिफिकेट काढा ना संदीप सर्टिफिकेट काढा। और आज बाबा साहब के दस्तावेजों में बाबा साहब के डॉक्यूमेंट्स में एक और डॉक्यूमेंट आज से ऐड होने जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट है बाबा साहब का लिविंग सर्टिफिकेट। ये लिविंग सर्टिफिकेट आज तक किसी ने यहाँ से दिया नहीं था तो ये लिविंग सर्टिफिकेट आज मैंने यहाँ से प्राप्त किया है। ये बाबा साहब का लिविंग सर्टिफिकेट है। बाबा साहब का रजिस्टर तो हम सब ने देखा है, ये बाबा साहब का रजिस्टर का पन्ना सबको पता है कि ये बाबा साहब का रजिस्टर है, यहाँ पर बाबा साहब का नाम है। लेकिन इस रजिस्टर के ऊपर से जो लिविंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो लिविंग सर्टिफिकेट आज तक किसी ने बनाया नहीं था तो आज बाबा साहब का लिविंग सर्टिफिकेट आज से बाबा साहब के डॉक्यूमेंट्स में और एक डॉक्यूमेंट एक ऐड हो गया है। और एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है, थैंक्स टू कास्ट वॉच यूके लंदन और अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन लंदन यूके। मिस्टर सतपाल ममन जी आप सब लोग जानते होंगे, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के और ब्रिटिश म्यूजियम के वो मेंबर बने हैं और उन्होंने मुझे पिछले लंदन के ट्रिप में एक डॉक्यूमेंट दिया और वो डॉक्यूमेंट था बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी जो वहाँ थी वहाँ का एप्लीकेशन कि बाबा साहब को उस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है और वो ज्वाइन करने के लिए वहाँ के किसी एक मेंबर का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है, प्रोफेसर का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। अब मुझे उन प्रोफेसर का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन उन प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन दिया है कि बाबा साहब मेरे होनहार विद्यार्थी है, उन्हें ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक्सेस वहाँ पर एडमिशन दिया जाए। और फिर उस दस्तावेज के बाद बाबा साहब का लाइब्रेरी कार्ड वो मेरे पास मेरे घर में है, वो भी मैं जल्दी रिकॉर्ड पे सब लोगों के लिए खुला करूंगा। तो आज ये दो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, एक बाबा साहब का लिविंग सर्टिफिकेट और एक बाबा साहब का लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम का, ब्रिटिश लाइब्रेरी का बाबा साहब का लाइब्रेरी कार्ड। तो ये दोनों मैं अपने फेसबुक पेज पे रखूंगा, वहां से आप लोग देखिए बाबा साहब अम्बेडकर। उस समय बाबा साहब का जो बचपन में नाम था वो भिवा था तो बाबा साहब का नाम लिखा है भिवा रामजी अम्बेडकर और कास्ट लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। और मुझे जिन्होंने ये बनाया जो रिकॉर्ड देख के उन्होंने कहा कि देखो उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर पूरी फीस भरी हुई है और फी नॉट ड्यू, कोई भी पैसे बाकी नहीं है
बाबा साहब ने फिफ्थ में फिफ्थ क्लास में ये इतन पांचवी नंतर गेले ये फर्स्ट टू फोर्थ स्कूल हुआ करता था एलिमेंट्री स्कूल था तो फर्स्ट टू फोर्थ बाबा साहब यहाँ पढ़े और फिफ्थ में वो दूसरे स्कूल में चले गए एल्फिंस्टन स्कूल चले गए तो ये फिफ्थ का बना हुआ लिविंग सर्टिफिकेट है। उस समय बाबा साहब तो छोटे थे लेकिन हमें बहुत बड़ा अभिमान महसूस होता है बाबा साहब के पिता रामजी बाबा पर कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि आज उनकी परवरिश से हम अपने बच्चों को लंदन अमेरिका में भेज सकते हैं। रामजी बाबा को मुझे यहाँ आते समय रामजी बाबा की बहुत याद आ रही थी कि रामजी बाबा ने अपने बच्चों को स्कूल में डाला और यहाँ पे सिर्फ भिवा का ही नहीं आनंदा आनंदा रामजी अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बड़े भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की एंट्री 1900 यानी 1900 में हुई है 7 नवंबर 1900 और आनंदराव जी की एंट्री कब हुई थी 1894 में शायद से अभी जो बोल रहे थे मुझे 1894 में आनंदराव जी की एंट्री है यानी जो लिविंग रिकॉर्ड अब बनेगा वो आनंदराव अंबेडकर जी की 1894-1895 की एंट्री है और बाबा साहब की 5 साल के बाद एक की एंट्री है। तो ये वो महान स्कूल है जहां पर एक पिता ने अपने बच्चों को यहां पर दाखिल किया और उन बच्चों ने बाबा साहब ने आनंद ने बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे विश्व के मानव कल्याण का काम इस स्कूल से किया। ऐसे इस पवित्र धरती पर आज नमन करके बहुत अच्छा लगा। ये बाबा साहब का लिविंग सर्टिफिकेट जल्दी मैं आप सभी लोगों के लिए इसकी कॉपी आप लोगों के लिए मुहैया कराऊंगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो था कैसा?